हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भाई देखिए, शॉपिंग करना तो हर किसी को पसंद है, तो यस आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ शॉपिंग एंड लाइफ इन यूएसए। एक वीडियो सीरीज में मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बट लेट्स सी कि कितनी सारी चीज़ें खरीद पाएंगे और क्या क्या शॉपिंग होगी। तो सबसे पहले आज हम जा रहे हैं स्टोर रॉस, जिसको मैंने काफ़ी टाइम से जाने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत ही लेस प्राइस में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस, बहुत ही अच्छी डील्स मिल जाती है। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, लाइक रॉस, मार्शल, बर्लिंगटन एंड फेमस फुटवेयर। सो आई होप कि हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग आज हो जाएगी यहाँ से। सो चलिए स्टार्ट। तो गाइज, हमें पहले रॉज स्टोर जाना था, लेकिन यहाँ पर चल रहा है लाइक क्लियरेंस एंड सेल, तो हमने सोचा एक बार यहाँ पे आके हम चेकआउट करते हैं। दक्ष ने अपने लिए ये कुछ चूज किया। और गाइस इधर भी आओ, ये वाओ। सो दक्ष ने अपनी शॉपिंग कर ली। दक्ष, क्या क्या लिया आपने यहाँ से? अभी मैंने अपनी फेवरेट चड्डी ली है, मतलब शॉर्ट, और अभी मैंने मेरा फेवरेट स्पोर्ट की टी शर्ट ली है, साकर की, और मैंने एक अपनी रेनबो कलर का, जैसे बाहर से लगता है रेनबो है, चश्मा लिया। गुड, तो दक्ष की शॉपिंग तो हो गई यहाँ से, अब हम चलते हैं दूसरे स्टोर। तो गाइज, हम पहुँच गए रॉज स्टोर एंड आई थिंक आगे से है एंट्री, आगे वाले डोर से। इधर से भी है, कम खुल गया। सो अंदर आ गए हम स्टोर के। सो लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। तो मुझे अपने लिए बैग भी लेना है, तो यहाँ से एक बैग पैक देख ली। ये वाला सही रहेगा मम्मी? नो, दिस टाइप का नहीं, मुझे थोड़ा सा लाइक कुछ इस टाइप का। अच्छा, बैग सही तो लग रहा है मम्मी, थोड़ा बस ये अंदर के नैपकिन, नैपकिन क्या है ये? हाउ इज इट मम्मी? मुझे ये सबसे अच्छा लगा। अच्छा लगा? ले लो। बट स्पेसिस में मुझे, दिस इज नॉट स्पेसिस, दिस इज लैपटॉप बैग। मुझे चाहिए कि हम थोड़ा सा वेकेशन पे जाए तो उसके अंदर कुछ सामान भी। गाइस ये देखिए, अच्छा है क्या? सीधे सीट से डालो। ये देखो, आगे से दिखाओ। ओ हाँ, यक, ये अच्छा लग रहा है। So this is for $34.99 भाई साहब। आई गॉट दिस लेन जैकेट वाली, मुझे जैकेट लेना था। आई एम लुकिंग फॉर वन डेनिम जैकेट। यस, मेरी मम्मी को तो चाहिए था, मिल चुका है। गाइस आप कमेंट बिलो करोगा आपको ये जैकेट अच्छे लगे। दिस इज फॉर $30। मैं थोड़ा सा सोची थी कि मैं यहाँ से रीजनेबल जैकेट लूंगी, बट गाइस ये बहुत महंगी है। सो गाइस, इतने सारे कपड़े सेलेक्ट किए हैं मैंने इसमें से, अब मैं इन सब का ट्रायल लूंगी, देन इनमें से कुछ सेलेक्ट करूंगी, आई मीन कुछ परचेज करूंगी। अब मुझे लेने हैं शूज, तो मैं जस्ट टू सेक्शन में आई हूँ। एक मैंने अपने लिए ये पसंद किए हैं, प्राइस भी इनका ठीक है, $15। दक्ष ने ये पसंद किए मेरे लिए, बट मुझे नहीं अच्छे लग रहे, सॉरी बेटा। आई वॉन्ट वाइट शू, अगर आपको वाइट में कुछ अच्छा दिखता है तो प्लीज लेट मी नो। क्या मस्त, बट ये साइज दिखा ना, सामने से दिखाइए। क्या मस्त है, मस्त है, बट इनका प्राइस भी मस्त होगा ना बेटा। प्राइस है यस $38। दोस्तों, काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने यहाँ पे, हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है
एंड दक्ष इज ऑल्सो टायर्ड और थोड़ा सा बोर भी हो गया ये. जैसे कि आपको पता है कि शॉपिंग में बच्चे कितना बोर हो जाते हैं. बट येस, ऐसा नहीं कि हमने आज का दिन वेस्ट किया. काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली हैं, लाइक बैक पैक लिए हैं, दक्ष के लिए कपड़े लिए हैं, अपने लिए शूज़ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं. डेनिम जैकेट्स मैंने कुछ उठाए थे बट मुझे उतने परफेक्ट नहीं लगे जैसा मैं चाहती थी. सो अभी हम और चेकआउट करते हैं. अभी आधा घंटा इस स्टोर में और रहेंगे और फिर दक्ष को उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना है. तो अब आज हम ज़्यादा टाइम तक शॉपिंग नहीं कर सकते हैं. सो गाइस, बहुत सारा सामान ले लिया हमने फाइनली. अब हम लोग बिलिंग लाइन पे लगे हैं और बहुत लंबी लाइन है बिलिंग में. तो शॉपिंग करके हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन जितना सारा हमें सामान लेना था, जितनी शॉपिंग करनी थी, वो सारी चीज़ें तो हमें नहीं कर पाए. बट फिर भी काफ़ी कुछ लिया है. और दक्ष ने ये सेट लिया था, ये जो कि इसने गाड़ी में ही पहन लिया है. तो इसको भी जाना है अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा स्टोर से. लेकिन हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे मे बी टुडे और टुमारो. तो गाइज, दक्ष अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रहा है और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट. तो जैसा हम वही सर्च आउट कर रहे हैं कि नियर बाई कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है और फिर वहाँ पे कुछ मज़ेदार इंडियन खाना खाएंगे. सो गाइज, हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं और दक्ष को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. बहुत भूख लग रही है. कितनी? तो हम लोग अभी सिग्नेचर इंडिया में हैं और हमने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी एंड मलाई कोफ्ता एंड बटर. तो जस्ट वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर. तो मज़ेदार खाना खाने के बाद हम लोग घर गए. और गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, हमारा वीकेंड शॉपिंग एंड आउटिंग व्लॉग. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और अपनी लाइफ ऐसे इंजॉय करती रहिए अपनी फैमिली के साथ. जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.